एसएस बाल सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लोहड़ी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एसएस सोसाइटी के अध्यक्ष रवि भूषण गर्ग एवं प्राचार्य राजरानी गर्ग मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे तथा अतिथि के तौर पर हिमांशु गर्ग मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ MD रवि भूषण गर्ग तथा प्राचार्य राजरानी गर्ग द्वारा लोहड़ी दहन कर किया गया। लोहड़ी दहन करने से पहले अध्यापकों तथा छात्र छात्राओं के द्वारा मूंगफली, रेवड़ी तथा फुल्लों से धोक लगाई गई और सबके मंगल की कामना की गई। रोटावेटर पर 50% सब्सिडी, किसान भाइयों आज ही बुकिंग करें, मौका छूट न जाए। जिंदल कंपनी कैथल। मैं लोहड़ी एवं मकर संक्रांति की देशवासियों, प्रदेशवासियों, जिला वासियों एवं SS बाल सदन परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में लोहड़ी और मकर संक्रांति लगातार खुशियाँ लाए और आपका परिवार यूं ही बढ़ता रहे। लोहड़ी का उत्सव क्यों मनाया जाता, ये एक प्रमुख बात है। लोहड़ी का उत्सव किसानों की खुशी को देखते हुए वो अपने फसल में से कुछ हिस्सा अग्नि देवता को समर्पित करते हुए मनाते हैं। यह त्यौहार पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और दिल्ली में मुख्य रूप से मनाया जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार ये भी कहा गया है कि राजा दक्ष ने सभी देवताओं को बुलाकर एक यज्ञ का आयोजन किया था। उसमें माता सती को नहीं बुलाया, जिससे माता सती को गुस्सा आया और उसने इस दिन अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। उसको याद करने के लिए भी, माता सती के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए भी हम ये त्यौहार मनाते हैं। एक बार पुनः आपके जीवन में हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति। कंप्यूटर गोड़ी पर 50% सब्सिडी, किसान भाइयों आज ही बुकिंग करें, मौका छूट न जाए। जिंदल कंपनी कैथल। SS बाल सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लोहड़ी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में SS सोसाइटी के अध्यक्ष रवि भूषण गर्ग एवं प्राचार्य राजरानी गर्ग मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे तथा अतिथि के तौर पर हिमांशु गर्ग मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ MD रवि भूषण गर्ग तथा प्राचार्य राजरानी गर्ग द्वारा लोहड़ी दहन कर किया गया। लोहड़ी दहन करने से पहले अध्यापकों तथा छात्र छात्राओं के द्वारा मूंगफली, रेवड़ी तथा फुल्लों से धोक लगाई गई और सबके मंगल की कामना की गई।